पाठ छः। हम उस धरती की संतति हैं। कवि उमाकांत मालवीय। कवि उमाकांत मालवीय का जन्म 1931 मुंबई में और उनकी मृत्यु 1982 इलाहाबाद में हुई है। हिंदी साहित्य में इन्हें नवगीत का भागीरथ कहा जाता है। प्रस्तुत पद्यांश कव्वाली है। कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य का प्रकार है। कव्वाली का इतिहास 700 साल पुराना है। यह तारीफ या शान में गाया जाने वाला गीत या कविता है। कवि ने कव्वाली के माध्यम से भारत के ऐतिहासिक स्त्री पुरुष के पात्रों का वर्णन किया है। स्त्री पुरुष को समाज का महत्वपूर्ण अंग बताया गया है। हम उस धरती के लड़के हैं, जिस धरती की बातें क्या कहिए, अज क्या कहिए, यहाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। कवि इस कव्वाली के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारा भारत देश महान है। यहाँ पर कई वीरों का जन्म हुआ है। इस बात को जानते हुए यहाँ के लड़के बड़े जोश और आवेश के साथ लड़कियों को बोलते हैं कि हम उस धरती के पुत्र हैं जिसका वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। इस धरती की मिट्टी में ध्रुव जैसे कई तपस्वी पुत्र खेले हैं। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ, जो अपनी लगन के थे सच्चे। शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहाँ भरत दतुली गिनते। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। लड़के कहते हैं कि इस पवित्र मिट्टी में भक्त प्रहलाद जैसे बच्चों ने जन्म लिया है। भरत इतने बहादुर और साहसी थे कि शेरों के साथ लड़कर उनके जबड़ों को फैलाकर दांत गिनने में भी नहीं डरते थे। जयमल जैसा वीर योद्धा चित्तौड़ की रक्षा करने के लिए अकबर की सेना से लड़ता है और उनका संहार करता है। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए, अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए। हम उस धरती के लड़के हैं, जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। लड़कों का समूह लड़कियों से कहता है कि इस वजह से हम तुमसे महान हैं। हम लड़कों के आगे तुम लोग चुप रहो, हम इस धरती के वीर और साहसी पुत्र हैं। बातों का जनाब सऊर नहीं, सेखी न बघारे, हाँ चुप रहिए। हम इस धरती की लड़की हैं, जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। लड़कियों का समूह बड़े जोश या उत्साह के साथ लड़कों से कहता है कि आप लोगों को बात करने का कोई ढंग नहीं है। आप अपनी सेखी मत बघारिए, मतलब अपनी बढ़ाई मत कीजिए, चुप हो जाइए। हम इस धरती की कन्याएं हैं, जिसके बारे में क्या कहना, अजी क्या कहना, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी, झांसी की रानी, रजिया सुल्ताना दुर्गावती, जो खूब लड़ी थी मर्दानी। जन्मी थी बीबी चांद जहां, पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, सीता सावित्री की धरती, जन्मी ऐसी ऐसी बाला। गरडिंग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए। हम उस धरती की लड़की हैं, जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। लड़कियां कहती हैं कि इस भारत की मिट्टी में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ है, जिसने झांसी की रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान दे दिया, अपनी जान की भी परवाह नहीं की। इस मिट्टी में रजिया सुल्ताना दुर्गावती ने भी जन्म लिया था। इन रानियों ने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। इस मिट्टी में चांद बीबी ने भी जन्म लिया, जिसकी वीरता को भूला नहीं जा सकता। दुश्मनों से स्वयं की मान मर्यादा की लाज रखने के लिए रानी पद्मिनी ने जौहर किया, अर्थात अग्निकुंड में स्वयं को जला दिया, ताकि वह दुश्मनों के हाथ ना आ सके। इस धरती पर सीता और सावित्री जैसी पतिव्रता नारियों ने भी जन्म लिया था। अगर आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो हमारे ताने सहने के लिए तैयार रहिए, आखिर हम भी इस धरती की लड़कियां हैं। यूं आप खफा क्यों होती हैं, टंटा का है का आपस में, हमसे तुम या तुमसे हम, बढ़ चढ़ कर क्या रखा है इसमें। झगड़े से ना कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के, बस बात पते की इतनी है, ध्रुया रजिया भारत माँ के। भारत माँ के रथ के हैं हम दोनों ही, दो दो पहिए, अजी दो पहिए, हाँ दो पहिए। हम उस धरती की संतति हैं, जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। लड़के और लड़कियां समझ जाती हैं कि हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, इसलिए दोनों मिलकर कहते हैं कि हमें आपस में नाराज नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमें कौन महान है, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है, झगड़े से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि हम बातों को उलझा देंगे। ध्रुव और रजिया भारत माँ के ही संतान है, हम सब भारत माता रूपी रथ के दो पहिए हैं, हम उसी भारत धरती की संतानें हैं। शब्दार्थ: दतुली दांत, सऊर
ढंग या बुद्धि, सेखी वघारना अपनी प्रशंसा स्वयं करना, यह एक मुहावरा है। मर्दानी बहादुर या दुष्टों को मारने वाली। जौहर राजस्थान में प्राचीन समय में प्रचलित प्रथा, इसमें स्त्रियां विदेशी आक्रमणकारियों से बचने के लिए आग में प्रवेश करके अपने प्राण त्याग देती थी। डिंग मारना, बड़ी बड़ी बातें करना, एक मुहावरा है। संतति का अर्थ है संतान। खफा का अर्थ है नाराज। टंटा का अर्थ है झगड़ा।